जी हीरा, आपकी क्या कंप्लेन है? मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, अब यही चीज आप सलार के सामने जरा रिपीट करें ताकि सलार को भी पता हो। मैडम आज दूसरा दिन है और सलार मुसलसल क्लास में मेरी वीडियोस बना रहा है। What? No! मैम, ये झूठा इल्जाम है। This is just a baseless allegation. इरम, आपको कैसे लग रहा है कि सलार आपके वीडियोस बना रहा है? मैम, मैं तो बस पढ़ाई पर फोकस करती हूँ। सलार को शायद मेरी कंपनी चाहिए और मैं दे नहीं पा रही, इसलिए नाराज है। Oh, please. मैम, आप काइंडली इनसे पूछिए कि इनके पास कोई प्रूफ है या बस ऐसे हवा में बातें किए जा रही हैं। तो अपना फोन दिखाओ। सलार आपकी वीडियोस क्यों बना रहे हैं? मैम, आपने कहा था ना मरियम के लिए क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। जी, मैंने कहा था। तो ये वीडियोस मैंने मरियम के लिए बनाई हैं। तो इसका मतलब है कि आपने ये वीडियोस मरियम को भेज दिए हैं? यस मैम। सलार, आई एम सो हैप्पी विद यू। आपने बहुत अच्छा किया। इरा, अब तो आपकी गलतफहमी खत्म हो गई ना? जी मैडम। यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम। बहुत गलत हुआ टीपू, बहुत इंसल्ट हुई आज मेरी। ये तो है इरम। हर वो सलार मैडम के सामने नंबर बढ़ा लिया उसने, हीरो बन गया वो। तो फिर कुछ ऐसा सोचो, हीरो जीरो हो जाए। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे ये मामला जड़ से ही खत्म हो जाए। ऐसा क्या करोगी? मरियम को कॉलेज से निकलवा दूं। मगर कैसे? बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो। जानती हूँ मैं, इसीलिए अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। और देखना, इस बार कोई गलती नहीं करूंगी मैं। नहीं इरम, मरियम को कॉलेज से निकलवाना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना? इस बार तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। सलार और मरियम को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हम छोड़ो, रहने दो, आखिरी साल है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, हारना नहीं सीखा है मैंने।